से और ये आरएसएस का भी फेलियर है, मैं सबसे बड़ा फेलियर ही आरएसएस का है। अगर मध्य प्रदेश में फाइट दे रहे तब भी ये फेलियर है। देखिए अगर प्रयोगशाला है आपकी और आपका वहां पर तो कोई मतलब एक तरीके से 15 साल आपने काम किया है, आपने हिंदुत्व को प्रयोगशाला बनाकर वहां पर एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा किया है, उसको एक्सेप्टेंस अगर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है तो ये भाजपा के लिए संघ के लिए चिंता नहीं प्रश्न। आपको बताता हूँ, चावला जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कृष्ण मतलब महाभारत के युद्ध में पूरी नारायणी सेना लगी है और जीत रहे हैं पांडव। आरएसएस के सारे वर्कर लगे हैं, बीजेपी के सारे वो लगे हैं, हायर्ड एजेंसीज लगी हुई है, बेस्ट मीडिया मैनेजमेंट है बीजेपी का, हर चीज है, उनकी गवर्नमेंट है, केंद्र में है, स्टेट में है, सीएम के चेहरे उनके पास, मुख्यमंत्री के चेहरे उनके पास, पीएम जैसा ब्रांड उनके पास, योगी जैसा जो है हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर जो है ब्रांड दूसरे स्टेट से आ रहा है केवल हिंदुत्व के लिए। इतना बड़ा, इतनी बड़ी नारायणी सेना लगाने के बाद भी कौरव युद्ध हार गए थे, तो ये बीजेपी का सेम है। इतनी बड़ी नारायणी सेना, मीडिया, ये वो, मैनेजमेंट, बेस्ट स्ट्रेटजी, इतना मैन पावर, आरएसएस के इतने लोग दिन रात लगे हुए हैं, घर घर जाके कन्विंसिंग कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं कि भाई वोट दीजिए, और इस तब जाके इज्जत बचा पा रहे हैं। नहीं, इज्जत भी पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। क्वेश्चन वही है कि इतनी मेहनत, इतनी बड़ी नारायणी सेना लगाई तो इसीलिए कि बॉर्डर लाइन पे जाके अटक जाए? तो ये क्वेश्चन नहीं बीजेपी के लिए, बीजेपी के मैनेजमेंट के लिए। देखिए इससे हुआ क्या, बीजेपी के सारे मुद्दे अब निष्प्रभावी हो गए हैं। आप देख लीजिए, ये ना विकास की बात करेंगे, ना मंदिर की बात करेंगे, ना राम की। ये इलेक्शन के बाद 2019 तक ये करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल के दाम सस्ते, फौरी तौर पे जो राहत, जीएसटी टैक्स में राहत, उसमें बिजली में रेट में कटौती, रेल्वे में जो है टिकट जो है सस्ता हो गया, फ्री वीज आएंगे, जिसका इम्पैक्ट जो है तुरंत पब्लिक के ऊपर पड़े और पब्लिक रिलैक्स महसूस करे। अब 56 इंच सीने की बात नहीं होगी, अब क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की बात नहीं होगी, अब बात होगी तुरंत और तुरंत पब्लिक को जो है फौरी तौर पर राहत दिया जाए। और दूसरी चीज, विपक्ष को कमजोर करने के लिए और बहुत सारी चीजें, उसको बदनाम करने के लिए आगे चर्चा का विषय अभी तो कर रहे हैं। मुकेश जी, मुकेश जी, और 2014 की बात है, 2014 मुद्दों पे लड़े जाएंगे, 2018-19 प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको बताना पड़ेगा, विदेश से काला धन कितना आया वो बताना पड़ेगा। सर इसमें बताया ना आपने सब कुछ,